और अब बात बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरों की करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 15 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में SDRF की अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर रखे गए हैं। इस वक्त हाल बहुत ज्यादा बारिश से खराब हो चुका है। वैसे तो आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जो राज्य हैं वो बारिश की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य जिसमें उत्तराखंड शामिल है, महाराष्ट्र, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और खास तौर पर पहाड़ी इलाके, अब आने वाले समय में वहां पर और ज्यादा बारिश हो सकती है। केदारनाथ में जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कई जगह फंसे 100 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। सेना और SDRF की मदद से पहले सभी को हेलीपैड तक पहुंचाया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये उत्तराखंड के केदारनाथ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेना ने यहाँ पर कमान संभाली, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लगातार जारी। वो लोग जो केदारनाथ यात्रा करने आए थे, किसी ना किसी तरह वो फंस गए थे, उन्हें अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू की तस्वीरें सामने। अब दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कैसे सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला है, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है जो फंसे हुए थे। बताया जा रहा है 100 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे रेस्क्यू करने के बाद कैसे पहले उन्हें हेलीपैड तक लाया गया, फिर हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह पर अब इन यात्रियों को जो फंसे हुए थे, जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कैसे वो यहां से बाहर निकलेंगे, सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचा दिया गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर आ गई है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से अब वाराणसी के सभी घाट लगभग डूब गए हैं। प्रसिद्ध 80 घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ पानी में समा गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। तो गलियों की तरफ पानी बढ़ने का मतलब यह है कि लोगों के घरों में भी अब पानी यहां पर घुस सकता है। ऐसे में सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो रही हैं, आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे 80 घाट के आसपास सब कुछ यहाँ पानी में डूबा हुआ, समाया हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे वक्त में जब बारिश भी लगातार हो रही है, कैसे इस तस्वीर से राहत मिलेगी और खास तौर पर वो लोग जो इस जगह के आसपास रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।